हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये जो पटाखा आप देख रहे हो जिसे मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर कनेक्ट किया हुआ है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिजली का यूज करके इन पटाखों को फोड़ सकते हो। ठीक है, वो चाहे दिवाली का कोई भी पटाखा हो, चाहे बम हो या फिर कोई अनार हो या फिर कुछ भी हो, आप सिर्फ बिजली का यूज करके इन सब पर आग लगा सकते हो। कैसे आप इन सब को बिजली के जरिए एक्टिवेट कर सकते हो, ये मैं आज का आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को दोस्तों आगे तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप बच्चे हो तो इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे बनाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ एक ओयर, जहाँ पर मैंने एक साइड को ओपन रखा है और एक साइड को मैंने टू पिन को कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं लेता हूँ निक्रोम ओयर, जो निक्रोम ओयर आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको निक्रोम ओयर नहीं मिलता तो यहाँ पर आप हीटर का जो कॉइल होता है उसे आप यूज कर सकते हो, वो भी निक्रोम ओयर से बना होता है। तो इसका एक कॉइल बनाने के लिए मैं लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर, जहाँ पर मैं इसको 5 से 6 टन लगा लेता हूँ, और यहाँ पर ये हमारा एक कॉइल बन जाएगा दोस्तों। तो कॉइल बनाने के बाद हमें इसको काट के यहाँ से अलग कर लेते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, और दोस्तों अभी हम लेते हैं जो ओयर हमने कनेक्ट किया था टू पिन पर, वो ओयर ले करके इसके जो 2 टर्मिनल हैं हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो जब भी हम इसको सप्लाई देंगे तो ये जो है बहुत ज़ोर से हीट होने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा लाइक कर लेना। तो दोस्तों, अभी हम लेते हैं एक पटाखा, इसका जो फ्यूज होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इसके ऊपर जो पेपर होता है उसे हमें निकाल लेना होगा ताकि अच्छे से आग पकड़ सके दोस्तों। और उसके बाद जो कॉयल हमने बनाया था हीटिंग के कॉयल, उसके अंदर हमें इसको डाल देना होगा। ठीक है, तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो कॉयल है, हीटिंग कॉयल है, उसे आप पटाखे के अंदर भी डाल सकते हो फ्यूज को निकाल करके। ठीक है, तो आप इस तरह इसके अंदर भी डाल सकते हो, या फिर आप फ्यूज पर भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, आपकी पसंद से आप इसे बनाइए। तो दोस्तों, अभी चलिए हम बाहर चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी जो कि 7 AH का है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल का जो बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड है। ठीक है, तो इसके जो 2 वायर है इसको मैं अभी बैटरी पर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, बैटरी का जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है, उन दोनों पर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला जो ओयर है, ठीक है, जिस पर हमने निक्रोम ओयर लगाया है, उसे भी आप डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा निक्रोम ओयर है और ये मेरे हाथ में पटाखा है, तो इसका जो फ्यूज है मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये भी रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पर जो पटाखा का जो ओयर है उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे वहाँ पर पटाखा मैंने रख दिया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्विच को ऑन करूँगा और वहाँ पर जो पटाखा है वो फट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, स्विच को ऑन करके फिर से ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आप ऑन करके रखोगे तो जो हीटिंग कॉयल है वो हीट होता रहेगा और जो बैटरी वो डिस्चार्ज होता रहेगा, इसीलिए आपको ऑन करना है, फिर कुछ देर बाद ऑफ कर देना है। दोस्तों, अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने जैसे इसको स्विच ऑन किया तो पटाखा का जो फ्यूज था उसमें आग लग गया और पटाखा जो बहुत ज़ोर से यहाँ पर फटा। और दोस्तों, अभी देखते हैं हमने जो हीटिंग कॉइल बना था उसका हाल क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि इसको अभी हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप पटाखे को दूर रह करके इलेक्ट्रिकल के जरिए आप इसको जला सकते हो। तो दोस्तों, तो ये छोटा सा आइडिया था जो कि मैं दिवाली पर यूज करने वाला हूँ, तो सोचे कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों जब भी आप इसको बना रहे हो तो ज़रा सावधानी से यूज कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ज़रा सावधानी से इसको यूज कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।